हाँ हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा सभी को पता है कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं, मैं आपको बताता हूं दिल्ली NCR गुड़गांव फरीदाबाद में जॉब कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, अपडेट दिया था कि अभी सतीश भाई कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, मुझसे पूछ रहे हैं कि इसरार भाई आप वीडियो तो डाल दिए लेकिन यार सतीश भाई कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसका मेन रीज़न जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सतीश भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा भी ख़राब है और वो जो है अभी एडमिट है कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के अंदर। तो जिस दिन वो एडमिट थे उस दिन तो मैं गया था, उनसे मिलकर आया था, और आज मैं फिर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उनकी स्थिति कैसी है। आप सभी लोग दोस्तों वीडियो में बने रहना, आज सतीश भाई से हम मुलाकात करेंगे। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सरार भाई अभी सतीश भाई की तबीयत कैसी है, सतीश भाई ठीक है, सतीश भाई कहाँ है। तो सतीश भाई अभी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही था कि वो एडमिट हैं कैलाश हॉस्पिटल में, और मैं आज जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, है ना। और ये मेरी बाइक रही, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी बाइक रही, अभी इसको हम पार्किंग में करेंगे, पार्किंग में खड़ा करने के बाद उसके बाद फिर हम जाएंगे। हालांकि एड्रेस तो हमें पता है कैलाश में ही है, 6th फ्लोर पे ही है वो, और चल के मुलाकात उनसे हम करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में बने रहना, आज उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। दोस्तों, यार पता नहीं क्या होता है, जब बिजनेस उठने लगता है, प्रोजेक्ट नए नए आते हैं, तो पता नहीं क्या इनके पेट में ऐसी दिक्कत आ जाती है, दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बिना एडमिट कराए ना फिर रिलीफ नहीं होता है। पता नहीं क्या ऐसी है, इशू है ये। अब चलेंगे उनके पास ही, मुलाकात करते हैं उनसे, उनसे ही बातचीत करेंगे, आखिर क्या मैटर है यार, है ना। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और ऑडियंस भी सोचती है कि यार सतीश भाई क्या हमेशा इनकी तबीयत ख़राब। हालांकि कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी तबीयत ख़राब हो, पर क्या ही कर सकते हैं, और ख़ासतौर से एडमिट होना तो कोई नहीं चाहता। हालांकि तबीयत ख़राब हो, थोड़ा बहुत दवा खाएँ फिर ठीक हो जाए, लेकिन यार एडमिट होना कौन चाहता है, आप बताओ। अभी मैं चलता हूँ, सतीश भाई से मुलाकात करता हूँ, आप सभी लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और बहुत ज़्यादा आपको आज मालूम होने वाला है कि सतीश भाई कहाँ है। जैसे कि मैंने ये देखो ले लिया है, मैंने थोड़ा सा अमरूद ले लिया है और थोड़ा सा मैंने ले लिया है ये संतरे, क्योंकि पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैंने कहा पेट भी उनका ख़राब है और पेट के लिए काफ़ी ये अच्छा ही होता है ना। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि क्या मुझे कुछ और लेना चाहिए था। हालांकि ठीक है, बजट की वजह से ठीक है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने ले लिया बस, है ना। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, ये हमारी बाइक रही, और लेके चलते हैं कैलाश हॉस्पिटल के अंदर। आप सभी लोग वीडियो में बने रहना। दोस्तों, अभी हमने पार्किंग में जो है पार्किंग में अपनी बाइक लगा दी है, क्योंकि नई बाइक है भाई, पार्किंग में करना ज़रूरी है ना। हेलमेट साथ में ले लिया है और बैग में जो वीडियो बनाने का सारा सामग्री है, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते ही मैं आया था, है ना। मैंने कहा वीडियो भी बना लेंगे और लगे हाथ इनसे मिल भी लेंगे। तो अभी मैं जैसे पार्किंग में हमने बाइक लगा दी है, अभी इस समय हम जा रहे हैं कैलाश हॉस्पिटल में, हैं इस समय मौजूद हैं हम। आवाज़ आ रही है आपको, बताना आप लोग, क्योंकि यार थोड़ा सा अकेला ही हूँ ना, बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ का। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ, है ना, एंट्री करूँगा और सतीश भाई से मुलाकात हम लोग करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहना भाई, बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम आ चुके हैं दोस्तों, जैसा मैं आपको दिखा दूँ कैलाश हॉस्पिटल, अभी मैं अंदर अंदर एंट्री कर रहे हैं। देखते हैं अंदर वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं देते हैं, वैसे हॉस्पिटल है कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए, देखते हैं। कोई नहीं दोस्तों, हम सीढ़ियों से चलते हैं, ठीक है, लिफ्ट भी है लेकिन लिफ्ट से ना चल कर आपसे बातचीत करते हुए चलते हैं ऊपर, उसके बाद उनसे मुलाकात करते हैं आखिर उनकी तबीयत कैसी है। ये 2nd फ्लोर है दोस्तों, ये 3rd फ्लोर पे हम आ चुके हैं, हमें जाना है और भी ऊपर। अभी किसमें है यार पता ही नहीं है, हाँ। और यार सतीश भाई कैसी है तबीयत? ठीक सर भाई, आप
चलो यार मुस्कुराओ, आप नोएडा में हो और ख़ास तौर से बड़ी दुख की बात है कि सतीश भाई इस समय जो है कि थोड़ा सा तबीयत नासाज है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, बेचारे ये यार जब लगता है कि थोड़ा सा बिजनेस बढ़ने वाला है तो कुछ ना कुछ वजह से यार पेट में इशू हो जाता है, दर्द हो जाता है और फिर एडमिट ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि दवा वस ठीक हो जाए, दवा से अगर ठीक हो जाए तो बहुत बेटर होता है, बट देख पा रहे हो ना। पानी चढ़ी रही भी, कितने बोतल पानी चढ़ा सतीश भाई अब यार इंटरव्यू कर क्या ही बताओ, आप आराम ही करो। खैर ये चीज़ नहीं है, बाकी आपसे क्या ही मैं पूछूं। अब डिस्चार्ज करने का क्या, डिस्चार्ज नहीं क्या सतीश भाई कुछ बताएं डिस्चार्ज का। 3-4 दिन का नहीं बोल रहे हैं, 3-4-5 दिन तक के लिए। आज 3 दिन तो हो गए ना आपको, 3 दिन है ना, 2 तारीख। थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं, ये एज ए रिलेटिव ही है ना सतीश भाई आपके, है ना। क्या नाम है तो? अच्छा क्या नाम है सर आपका? आशु नाम मेरा, आशु जी। अच्छा जी सतीश भाई के आप कौन लगते हो सर? चाचा है मेरे, सगे हैं, सगे चाचा। हाँ यार क्या मतलब इशू आ जाता है इनके पेट में को लेकर, अभी इनसे बातचीत तो कर नहीं सकते बट आप थोड़ा सा मतलब क्या इशू है, पेट में दर्द अचानक से? वो ये कि लीवर के मतलब पैनक्रियाज बताया, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है। एक बार पहले भी एडमिट हो चुके हैं, 2 बार इसी चीज़ को लेके, अभी लास्ट टाइम में तो जल्दी में ही हुए थे। तो पैनक्रियाज तो पहले जब एडमिट कराए थे, जब डॉक्टर ने बोला था होना 300 कुछ बताया था कि 300 कुछ होना चाहिए, वो जब एडमिट कराया जब 1300 था। अब कल इनको पूरा दिन कुछ नहीं खाने दिया, जब रिपोर्ट कराई वो 3000 आया था, जब स्टार्टिंग में एडमिट हुए जब 1300 था, जब अगले दिन रिपोर्ट आई 3000 था। फिर इन्होंने नॉर्मल जस्ट 2 दिन से भूखे थे तो बिस्कुट खा लिया, तो फिर से वो 6000 बढ़ गया। अच्छा बिस्किट खाने से ही बढ़ गया? हाँ क्योंकि डॉक्टर ने मतलब डाइट में ना बिल्कुल 2-3 दिन तक लिक्विड ही बताया था, खाने वाना मतलब सब बंद करवा दिया था, कुछ नहीं खाना है इनको, मना किया। वो ये 3 दिन से भूखे भी थे, अब लिक्विड चल रहा है पानी भी देने के लिए मना किया, पानी भी आज चालू किया है। अभी कितने बोतल इसको पानी चढ़ चुका है सर? ये 5वीं बोतल है। 5वीं बोतल? हाँ क्योंकि डॉक्टर ने सिर्फ लिक्विड डाइट ही बताई है, अभी मतलब और कुछ लेने के लिए साफ मना किया है, मुँह से तो कुछ लेना ही नहीं है, मुँह से तो आज सुबह से स्टार्ट किया है, वरना जब एडमिट किए थे और अब तक कुछ दिया नहीं है, उससे पहले भी इनको कुछ नहीं दिया, बस ये डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है, बस अब लिक्विड ही चलेगा, जो भी चलेगा अब लिक्विड चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। अभी भी 2-3 दिन लिक्विड चलेगा? हाँ अभी लिक्विड ही चलेगा, अभी खाना वाना कुछ नहीं देंगे, अभी भूखे ही हैं जब से अब तक। सारे स्टाफ भी आए थे सतीश भाई से मिल के गए अभी हम भी, तो मैंने कहा शूट करना सही नहीं था, अभी सतीश भाई थोड़ा सा रिलीफ, कुछ रिलीफ है सतीश भाई? यार मुझे तो सर हमारी मैं कैसे उठूँ माइक के पास, है ना। देखो बेचारे सतीश भाई क्या ऑडियंस को कैसे बात कर रहे हैं सतीश भाई, मतलब बड़ा दुख हो रहा है। नमस्कार, कैसी तबीयत है सतीश भाई? सब ठीक है, बस दुआएं हैं सबसे। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खुश हों सब। दोस्तों कोई फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, फ़ोन यहीं पे है, बट फ़ोन मैंने वैसे तो फॉरवर्ड मोड पर कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक मानता हूँ किसी और को ऊपर विश्वास नहीं करता, तो फ़ोन ना उठाने का कारण और आप सबसे बात ना करने का कारण तो ये ना समझे कि सतीश भाई फ्रॉड है, धोखा दे रहे हैं, मजबूरी है, क्या करूँ, क्या भगवान ने ऐसे कुछ रोग बना दिया है मेरे पैनक्रियाज का कि अब तो लास्ट का जो ऑप्शन है वो सर्जरी बचेगा। इस बार तो ऑप्शन है अभी और ठीक ढंग से बोल इसलिए नहीं पा रहा हूँ, क्या 4-5 दिन हो गया कुछ खाया पिया नहीं है, खाली पानी पानी चल रहा, और अभी सरदार भाई भी कुछ फल ले गए, मन तो बहुत कर रहा था खाने का, मेरी रात में जो थोड़ा बहुत लेके आया सतीश भाई इस टाइम, वो मेरे को हीरे सोना से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जी कर रहा था टूट के खा पाऊँ, बट मुझे पता है अगर मेरे को गलती से अगर उसका एक बना एक पीस भी खा लिया तो जो में 6000 वो सीधा 12000 पहुँचेगी और सीधा फिर मुझे ICU में सीधा ICU से ऑपरेशन थिएटर पहुँचना पड़ेगा। बट मैं चाहता नहीं हूँ कि जो भाई बंधु जिनके लिए मैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं आपके और जो भाई बंधु मुझे मानते हैं जानते हैं, तो ना तो मैं उन लोगों के ये चाहता कि उनका विश्वास, उनकी हिम्मत हौसला और उनका जो मुझ पर प्यार विश्वास है वो टूटे या जो कम हो। और अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा, अब जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अब मैं सीधी और सीधी वो बनाऊंगा। अब तक तो नंबर अपना देता था, अपना HR का देता था, अब मैं सीधे उसी का दूंगा कि जो मेन कंपनी का जिस कंपनी में हायरिंग होगी। और आज ये भी मैं एक बात करता हूँ कि अब मेरे कुछ मित्रगण मिले थे, देखिए जो कुछ होता है कुछ अच्छे के लिए भी होता है, तो यहाँ पे आने के बाद एक अच्छी चीज़ सर भाई ये हुई है, हमने एक पहल की थी आपको भी याद है लोकलिटी की, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे भाई मिले हैं जो कि
इसी संदर्भ में उनकी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत ऊंची, बहुत हाई लेवल की संस्था है जो कि लेबर वर्ग मतलब कि बेरोजगार भाइयों को रोजगार दिलाने वाने के हिसाब से लोकलिटी में जॉब दिलाने के लिए और उनकी सैलरी बढ़वाने के लिए, जो कि हम हर पैन इंडिया में कहीं भी हम वैकेंसी ढूंढते हैं, आप ढूंढते हैं तो सैलरी 10-12 राइट है कि वही 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11-12 के बीच होती है। तो उन्होंने मुझे जब आए थे मिले थे तो उन्होंने मुझसे वादा किया था भाई आप हौसला रखें, हम आपके साथ हैं, आपकी सूची हमको मिली प्राप्त हुई है और आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हमसे आकर मिलिए और इस मुद्दे पर लोकलिटी के ऊपर जितना हो सकता है हम लोग आपके साथ रहेंगे और मैं जो भी वीडियो शूट करूँगा, जो बनाऊँगा उसमें मैं नंबर ना ही अपने HR को दूँगा, किसी को दूँगा, मैं सीधा प्रॉपर नंबर मैं डायरेक्ट कंपनी का ही दूँगा ताकि आप पहले उनसे बात करें, अच्छे से सब चीज़ें समझें, सोचें। और कुछ लोग भाइयों मैं आपसे कहना चाहूँगा, मूर्ख बनने से बचें। हम और इसरार भाई क्या करते हैं, हमसे जैसा कहा जाता है हम उसी की बिलीव करके हम वीडियो शूट कर देते हैं, लेकिन वहाँ की सच्चाई क्या होती है। अब हिसार में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में या जहाँ भी की वीडियो है, अभी जो हमारी पाइप वाली वीडियो है वहाँ की है, वहाँ की वीडियो की अब क्या वस्तृत ये बताइए, वहाँ पर जो वैकेंसी है वो टेंडर आई ड्राइव नहीं है इसरार भाई, वहाँ पर वैकेंसी है उनकी जो नौजवान पहली से लेके 8वीं तक के हों। यार सतीश भाई बेड पे हो यार, वैकेंसी के बारे में प्लीज बात मत करो। भाई बेड पे मैं इसीलिए हूँ, कोई बात नहीं, हिम्मत मिल रही है थोड़ी, आप आए हो बहुत ज्यादा दिल खुश हुआ है भाई, लोग मुझे सुनेंगे, समझेंगे, इनकी दुआएं मिलेंगी तो और ज्यादा हिम्मत आएगी। वैकेंसी की बात मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो वैकेंसी है वहाँ पे, जो पाइप वाली वैकेंसी थी जिसका मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था, उसका मैं आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मैं दूसरा, उनका नाम जसवंत जी है, मेरी उनसे बात हो चुकी है, यहाँ तक की बात हो चुकी है कि जिस भाई के पास पैसे भी नहीं होंगे वहाँ पे रहने खाने के, वो वहाँ पे आपको रूम का व्यवस्था करवाएंगे, आपको राशन की दुकान की व्यवस्था करवाएंगे और जब 10-15 दिन आप काम कर लेंगे आपको एडवांस भी देंगे और जब आपकी सैलरी आएगी तो उसमें से पूरे एक साथ नहीं काटेंगे, उस सैलरी में से एक साथ ये नहीं काटेंगे भाई पूरा आपका रूम रेंट काटना है, 6,000 हो गए, 5,000 हो गए, उसमें से 2-3,000 करके काटेंगे। लेकिन वैकेंसी वहाँ पे मैं फिर मैं बोल रहा हूँ, वैकेंसी वहाँ पे उनके लिए है जो अंगूठा छाप से 8वीं तक के हैं, मतलब कि मेहनत वर्ग है, तनख्वाह है उसमें 12 घंटे के 16,000 है, रहने की व्यवस्था करवाएंगे, राशन की दुकान की व्यवस्था करवाएंगे। जसवंत नाम है उनके, इशार भाई मैं आपको नंबर दे दूंगा पर्सनली अभी, क्योंकि वो हमने लास्टली शूट की है और उसी का रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आ पाया है क्योंकि उन्हीं की रिकॉर्डिंग कॉल आए हैं उनमें। और मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ, उनसे मेरे साफ साफ बात हो चुकी है, कोई चार्ज पे नहीं करना है, कोई रुपये पे नहीं करना है। तो ये तो सतीश भाई कब छुट्टी कब होगी, सतीश भाई कब चलोगे यार ऑफिस में, ऑफिस बुला रहा है, जॉब पॉइंट आपको बुला रहा है कि जॉब पॉइंट का ऑनर कहाँ है। भाई मन तो मेरा बहुत कर रहा है, बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत लोग मेरा मन कर रहा है, जो लोग आते हैं पूछते हैं सतीश भाई जॉब चाहिए। यार एक बात बताऊँ सतीश भाई, इतने सारे कमेंट्स है यार आपके एक फ़ोटो पे, सोचो बहुत चाहने वाले हैं, रियल बता रहा भैया मैं इतना अच्छा इंसान ना हूँ, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ आपको लगता है ना? नहीं मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, सब कहते हैं यार बेरोजगारों का मसीहा, सुना है? ना 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 मैं कोई मसीहा हूँ ना कुछ हूँ, बस मुझे इतना सुना लेते हैं, मुझे जब बहुत अच्छा लगता है जब मेरा ऑफिस पाया कोई मुस्कुरा कर कहता सर ये हमने आपका बहुत ना सुना, वही ऐसी होती है दिल को जो आप रिश्तेदार पर बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, वही दो पल की खुशी ऐसी लगती है कि हाँ हमने सब कुछ पा लिया। बस भाई दुआ करो कि मैं जल्द जल्द ऑफिस पहुँचूँ और आप लोगों के भाई के लिए हम आगे चल के मैं जो मुझे मिले हैं और मैं इसरार भाई प्रॉपर उसी वर्क पर काम करूँगा लोकलिटी के ऊपर और सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ फैल चुकी है, इतनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इंसान बेचारा किसी की भी बात विश्वास करके, आजकल आपको पता नहीं यूट्यूबर कितनी जॉब वैकेंसी बारे कितनी हो चुकी हैं, ऐसे बहुत फेक यूट्यूब पे क्या ही बताया, कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं। अब आम आदमी इंसान अब अगर 100 ने देख लिया, 100 में से उनमें से अगर 20 ने विश्वास करके चले गए अपने साथ गलत हो गया तो क्या होता होगा। तो ऐसे हमारे मैं ये नहीं कह रहा अब हम हमारे भाई भरोसे हमारे सपोज करो हमारे वैकेंसी बता दी ठीक है, अब हमारे भरोसे आपके भरोसे हम बंदे चले गए ठीक है, अब अगर उनके साथ 100 में से अगर 10 के साथ भी गलत हो गया
तो हम पे कितना जोर पड़ेगा फिर यार? बहुत ज्यादा जोर। आप पे नहीं पड़ेगा? आप बताइए, आपको तो मुझसे ज्यादा जोर पड़ेगा। आज मैं तो एक चलो जनरल वार्ड में, आप तो सीधे आईसीयू पहुंचोगे। चलो यार सतीश भाई, बस आप सभी लोग दुआ करो सतीश भाई के लिए, जैसा कि मैं सतीश भाई से मिलने आया हूँ। मिलकर बड़ी दुख हुई और एक तरीके से खुशी भी हुआ कि सतीश भाई पहले से थोड़ा सा रिलीफ है। एंड दुख इस बात का हुआ कि बेचारे पहले इनसे मुलाकात होती थी ऑफिस में, बाकायदा सीट पर बैठ के, चेयर पर बैठ के, लेकिन दुख इस बात का है कि अब मुझे जो है हॉस्पिटल में आके मिलना पड़ रहा है। हॉस्पिटल यार सच बता रहा हूँ, ऊपर वाला ना चाहे कभी किसी को हॉस्पिटल आना पड़े, पैसे तो अलग बात है, बट जो दर्द होती है, जो चीज़ें झेलनी पड़ती है ना, वो अलग इंप्रेशन जाता है। जैसे सतीश भाई देख पा रहे होंगे, हालांकि अभी तो ठीक है, ये बढ़िया है, आप लोग का दुआ और सपोर्ट की वजह से अभी ठीक है, बट जैसे ये ठीक हो जाते हैं, वैसे मैं तो रोज़ आता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा आप लोग को, जैसे ये ठीक हो जाते हैं वैसे फिर से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जैसा कि आपको हमने बताया है, बिलासपुर चलेंगे, गुड़गांव में चलेंगे, बाकी जो हमारी कंपनियां साइट पे हैं वहां पे चलेंगे और लाइव रिपोर्टिंग करेंगे।